हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पॉपकॉर्न टीवी। मैं हूँ अंकिता और मेरे साथ है अरिजीत। हेलो। और आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले क्वारंटाइन, जो ताला अंजुम, ताला यूनुस और कृष्णा का जो लेटेस्ट जो कोलैबोरेशन रैप म्यूजिक वीडियो है उसके ऊपर रिएक्शन देंगे। ये बहुत दिन पहले ही आया था लेकिन उस वक्त कर नहीं पाया था, बहुत सारे रिक्वेस्ट पेंडिंग था ऑलरेडी। और क्वारंटाइन ऑब्वियसली जो लोग रैप को फॉलो कर रहे हैं रिसेंट टाइम्स का, जो हिप हॉप सीन को फॉलो कर रहे, जानते हैं कि डिस्ट्रैक है कृष्णा, मतलब चैन के ऊपर एक डिस्ट्रैक है। और इसका कमेंट सेक्शन मैंने पढ़ा है तो वहाँ पर क्लियर है कि वो ये गाना ऑब्वियसली चैन के ऊपर ही डिस्ट्रैक होने वाला है। मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है मगर बहुत सारा रिक्वेस्ट आया, इसलिए मैं वीडियो देखना चाहती हूँ, रिएक्शन देखना चाहती हूँ, मतलब देना चाहती हूँ कि वीडियो कैसा है, देखना है मुझे। और इसमें जो सबसे बड़ी बात, जो कोलैबोरेशन हुआ है इंडिया पाकिस्तान का जो रैप आर्टिस्ट के, सबसे बड़ा एक कोलैबोरेशन है रिसेंट टाइम्स में, मतलब रैप में तो मेरे ख्याल से पहली बार हुआ है ऐसा कि एक पाकिस्तानी इतना पॉपुलर रैप आर्टिस्ट के साथ इंडियन रैप आर्टिस्ट ने कोलैब किया है। और यंगस्टर को मैंने पहले भी बहुत बार सुना है, चाहे वो तला अंजुम हो, तला यूनुस हो या फिर रैप डेमोन हो, मैंने बहुत बार सुना है इनको। बहुत ही ब्रूटल डिस करते, बहुत ही इनका लिरिक्स बहुत ही अलग लेवल का होता है। तो चलिए सुन लेते हैं कंटेंट क्या है, चैन के बारे में ऑब्वियसली डिस होगा, तो चलिए पहले देख लेते फिर उसके बाद बात करते। ये बजेगा गली के नाके पे, ये बजेगा तेरे इलाके में, ये बचता रहेगा जब पड़ेगा रेड और लोंडे डिफॉल्टर भागेंगे। हम उल्लू हैं, रातें भी जागेंगे, हम वायस हैं बेटा, हम वायस हैं। तू रियल है तो हम भी नाइस हैं, तू रियल नहीं तो हम भी चौड़े में, जो नसीली नहीं मेरे लोड़े पे, थोड़े से बीफ से घबरी जो हो रहे थे, आंखें खोल के ये सब रहे पर सो रहे थे, बातें चोदने से बच्चे नहीं होते वे। खेओ माय चेस्ट, खेओ माय चेस्ट, हम देसी हिप हॉप के नशे में, वी रैपिंग के चेक्स, खेओ माय चेस्ट, मीडिया के लांचों से बचे हुए दिल में सब रख के ये माइक पे फटेंगे, सिलेबस की तरह सिलेबस रटेंगे, या मैजिकल बेटा कलम में जादू है, रुकता नहीं बेटा ये कलम में काबू है, खुद का नहीं तेरा ये जिन्नों की आमद है, कुछ दिनों में फिर आने सबकी शामत है, ये हम आकते तेरे इस्तेमाल की बाजे अलामत है। You know, मेरे साथ कितने साल से तलहा यूनुस, एक टेक्सकोप जैसा फोकस ब्रो, मैं तो मेरे लिल होमी से भी इंस्पायर्ड हूँ, रफ चाइल्डहुड लेकिन भाई लाइफ गुड, स्टूडियो ही घर, चर्चे और फास्ट फूड, 24 घंटे रेडी मदरफकर, लेट्स डू इट, जब मैं तेरे जैसा नहीं तू मेरे जैसा क्यों है, मारे तूने मिस फायर, अभी तेरा राउंड खाली, तेरा सर पैर भाई भाई पूरा साउंड खाली, तू काम भारी नहीं, तेरा काम भारी नहीं, जितने मेरे खर्चे तेरी आमदनी नहीं, तेरा नाम होगा लेकिन काम मिले नहीं, किस काम का वो नाम जिसका दाम लगे नहीं, तेरे साथ वाले तेरे साथ लेकिन तेरे सगे नहीं, मदरफकर यू नो। से निकले खजाने से सच के बेमानों से पी रहा पारी, सिर्फ काबे नहीं दुनिया ये फिर भी हमारे नहीं लाया, गवा भी नहीं ये तो गवारे में अंधों में गाने हैं पीटों पे पब्लिक नचा रहे, कहते मचा रहे, अबे चुप हम उजाले, तुमसे सारे मेरे गाने सुनने वाले जाने जाने, ये खला है हम जाए नहीं भाई, टाइम दिया भाई ग्राइंड किया, तेरा टाइम क्या करूँ मैं, रिवाइंड क्या करूँ, कैसे टाइट किया तेरी हाइट से ज्यादा मेरी हाइट, प्यार बॉर्डर पार से भी मिले प्यार, अल्फाज से द नाइट नेस, स्लीप टाइट करूँ रिप्लाई, आई एम अ बीस्ट बाय शोइंग पीस साइंस, लुक एट मी बॉय स्टिल रैपिंग स्ट्रीट्स लाइक डाउट बाय, नेवर डू इट फॉर द क्लाउड, ए जी स्टाइल, वो तारे से जो मारे नहीं हमारे नहीं, वो कहते थे म्यूजिक में पैसा नहीं पर हम कमा रहे, शो बजा रहे मिलके खा रहे, तुमने खा ले सिंपथी पे ये कमा रहे हैं, खुदा मुझे बचा ले, ये कला मेरी गवाह है, ये बता दे कौन है मेरे दुश्मनों की राय, लेने वाले भी गुमराह है, मुनाफिकों की इज्जत अपने माशरे में काए, ये फ्रॉड बने चले गॉड, सोचा दिन का वक्त बदल दूं, हक बदल दूं, सब बदल दूं, लेने पे आता तो बालों के मैं रंग बदल दूं, लंड पे चढ़ बोलूं मैं तेरे हम शक्ल को, कम अकल पहले ये फ्लो पकड़ तू छोटे वरकू, कलमकार ये बास मेरे अलमनाक, सरत पार भी वाकिफ अवाम जानी खबरदार, बिग एल जैसे ऑलवेज बीन अ फाउल जैक, बेटर बाउ डाउन सो हाई नाउ, मेरी बारी वाइब लव मैं हूं आई क्लाउड वाला बेटर क्लाउड नाइन, जब भी मेरा वर्स बजे कीप द म्यूजिक लाउड मैन, 2020 चौके ऑन द बीट, लेट मी प्लीज ऐसे लीड रैपर जैसे राजे को जरूरी जीत, पहले सीख छोटे फेराना तू बीट पे, बातें गहरी जैसे खंदक, रेफरेंस डीप ये तो ला तू ठीक है, चीनी कम मुझे तो मीठा पसंद नहीं, हाँ कृष्णा के नाम से सड़े ये जैसे इंसानों को गीता पसंद नहीं, हाँ जलती है इनकी हर सुबह तो बोले ये हमको तो तीखा पसंद नहीं, हाँ I got these rappers so salty लगता है मुझको अब फीका पसंद नहीं, ऐ They don't wanna fuck with the boy, आई मेरी देव तो वो सबको डुबोए, मेरे enemies मेरे सपनों में रोए, सारे नरम है गलौटी जैसे लखनऊ में होए, कराची से दिल्ली ये तोहफा है, बेफजूल लूंगी करते जैसे नोटा है, चैन नहीं मिलता तू इतना क्यों रोता है, सुना तेरी जात का होता है छोटा है, YS dollar sign combined है qualifying या ना है borderline, जब साफ है all a kind of grinding all the time, alive on the line, करूँ ना हुई या swine मैं तो करूँ quarantine, yeah I got the nine and I'm ready for the retake, जन्म दिनों रोज को था just wanna see cake, मेरे लिए एक ही Calvin वो है bro the snow CK, already legendary करूँ web carry जैसे military, मैं तो वाके इन्हें मौत दूँ, always secondary तू है dead in मेरी सीधा cemetery, जाके फटाफट पहुँच तू, pad है sanitary तेरे लिए necessary जैसे veterinary मेरे आगे भौंक तू,
मेरे एडवर्सरी जाते मैं तो रहता वेरी शिट इज कैरी अगर आके करे मेरे डॉट लॉक टू बेस्ट इन द गेम और इसमें दो राय नहीं अपनी बातें मैंने अब तक दोहराई नहीं घोड़ी बनाया पर मैंने दौड़ाई नहीं मेरा तो हारने का कभी दोहराए नहीं समझ नहीं आए मेरे लव पर आ रूंगी वो शिट से हुआ मुझे कब की स्टूडियो गैंगस्टर्स माइक पे टफ आया फाइट से नहीं ने ऑन साइट पे भी रफ तो वीडियो तो हम दोनों ने ही देखा बहुत ही एंजॉय किया वीडियो देख के लेकिन अंकिता को मैंने जाने के लिए बोला है क्योंकि इसमें जो रेफरेंसेस यूज़ किया गया जिस तरीके का रैप सॉन्ग है डिस्ट्रक बीफ गेम उनको इसका कोई भी नॉलेज नहीं है प्रैक्टिकली वो कभी भी इस तरह का सॉन्ग मतलब जो बीफ या फिर सीन है कुछ भी ये सब सुनती नहीं है तो इसलिए उनको मैंने जाने के लिए बोला है क्योंकि उसको उनको मैं बैठा के रखूँगा और मैं खुद बोले जाऊँगा तो लोग बोलेंगे कि उनको सिर्फ बैठा के रखे हो आप बोलने नहीं देते हो तो इसलिए मैंने बोला कि आप जाओ मैं खुद बोल दूंगा जो भी मुझे आता है जो भी मैंने समझा है तो पहली बात जो है जो कोलैबोरेशन हुआ है इंडियन हिप हॉप का और पाकिस्तान हिप हॉप का बहुत ही ज़रूरी था और मैं बहुत खुश हूँ या फिर जो रैप म्यूज़िक को फॉलो करते हैं जो इंडियन या फिर पाकिस्तान हिप हॉप को फॉलो करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ा एक ट्रीट है और यंगस्टर पाकिस्तान में जितना पॉपुलर है इंडिया में भी उनको लोग बहुत ही सुनते हैं एक अंडरग्राउंड में बहुत ही बड़ा नाम है यंगस्टर्स और आगे भी इनका बहुत सारा पॉपुलरिटी होगा और इस कोलैबोरेशन ने साबित कर दिया कि हिप हॉप का या फिर आर्ट एंड कल्चर का कोई भी देश नहीं होता कोई भी बॉर्डर नहीं होता कोई भी मज़हब या फिर रिलीजन नहीं होता है ठीक है और ये बहुत ज़रूरी है कि आर्ट एंड क्राफ्ट को आप कभी बॉर्डर लाइन करके या फिर सेपरेट करके नहीं रख सकते हो तो बहुत ही एक ज़बरदस्त कोलैबोरेशन है। अच्छा पूरे ट्रैक में जो तला अंजुम तला यूनुस या फिर कृष्णा का जो वर्सेज है उसमें से कुछ कुछ लाइनें जो मुझे ज़बरदस्त लगाए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसका मैं एनालिसिस थोड़ा करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि एक लाइन है कि तू रियल है तो हम भी नाइस है तू रियल नहीं तो हम भी चौड़ाए में तो ये शायद कहीं ना कहीं वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं अगर तुम अच्छे हो तो मैं तेरे साथ अच्छा हो अगर तुम बुरे हो तो मैं तेरे साथ बुरा हो और कहीं ना कहीं कृष्णा को भी इसमें रेफ़र किया जा रहा है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कृष्णा का जो इंस्टाग्राम आईडी है वो रियल कृष्णा नाम से है तो कहीं ना कहीं उनको भी रेफ़र किया गया है यहाँ पे कि अगर तुम रियल हो तो मेरे तेरे साथ हो अगर रियल नहीं तो हम भी तेरे साथ नहीं तो इस तरह का कुछ रेफरेंसेस लिया गया है और सेकेंड एक लाइन है अंजुम के लाइन से मैं तेरे साथ कितने साल से तला यूनुस तो तला यूनुस को वो बोल रहे हैं कि उनके साथ भी वो कितने सालों से काम कर रहे हैं ठीक है वो अपने लिलिल होमी से भी इंस्पायर्ड है मतलब वो शायद बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि तला यूनुस के से भी वो काफ़ी इंस्पायर्ड है अपने लिखाई में अपने राइटिंग में या फिर गाने में तो ये दोनों लाइन तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा और एक लाइन था अंजुम के लाइन से जो बोल रहे हैं कि तेरा नाम है लेकिन कोई दाम नहीं तो वो वाला जो लाइन है वो भी बहुत सही लगा ठीक है वो शायद चैनको को मीन कर रहा है कि तुम्हारा नाम है लेकिन तुम्हें उतना काम नहीं मिल रहा है तुम्हें उतना शायद दाम नहीं मिल रहा अपने काम से तो कहने की वो लाइन भी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है अंजुम के जो वर्स है। दूसरा जो अभी तला यूनुस का जो लाइन है उसमें तो हमशक्ल का एक रेफरेंस लिया गया हमशक्ल हम सभी जानते हैं चैनके का एक ट्रैक था कुछ दिन पहले रिलीज़ हुआ था हमशक्ल तो उसका रेफरेंस लेके उसको ही डिस किया है तला यूनुस ने उनके बारे में उनका ही गाने का रेफरेंस लेके उनको ही डिस किया है और एक लाइन है तला यूनुस का ठीक है जैसे आई स्टिल ईट रैपर जैसे राजे को ज़रूरी जीत और राजे मतलब ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं बोहेमिया पाजी का नाम है मतलब बोहेमिया को राजे कहते तो उनका भी रेफरेंस लिया गया या फिर तला यूनुस का ट्रैक में जो वर्स है ठीक है अभी कृष्णा की बात करते हैं कृष्णा का तो हर एक लाइन मुझे पंच लाइन लगा उनका जो हर वर्स में जो हर एक लाइन है शुरू से लेके एंड तक मुझे हर एक लाइन में पंच लगा ठीक है पहला ही जो फर्स्ट लाइन था उसमें चीनी कम मुझे तो मीठा पसंद नहीं चीनी मतलब ऑब्वियसली चीनी मतलब चाइनीज़ और चैन के का जो रेफरेंस लिया गया है ज़बरदस्त लगा मुझे और मुझे पता है कि आप सभी को पता है कि कृष्णा किस तरीके से अपने वर्डों के साथ खेलता है अपने वर्डिंग के साथ खेलता है तो पहले लाइन में उन्होंने चैनके को डायरेक्टली डिस कर दिया नाम लेके ही ठीक उसके बाद एक था कि नहीं मिला तू इतना क्यों रोता है सुना है तेरा जात का होता ही छोटा है तो ये वाला लाइन तो एक ब्रूटल डिस है मैं कहूँगा ये वाला जो लाइन है बहुत ही ब्रूटल डिस है मतलब वो बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हारा जात का ही तो बहुत छोटा होता है ठीक है तो अब समझ रहे हो मेरे बात किस बारे में बात किया जा रहा है तो ये वाला तो जो लाइन था काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी ब्रूटल है ठीक है और एक लाइन था करोना या हो स्वाइन मैं तो करूँ क्वारंटाइन तो ये जो लाइन था इसमें तो एक बात है कि ऑब्वियसली कोरोना या क्वारंटाइन जो मतलब कोरोना या फिर जो एक वायरस था स्वाइन तो दोनों ही हम जानते हैं सभी चाइना से ही आया है या फिर चाइना का ही एजाद है हम लोग पता है तो कहीं ना कहीं उनका जो मतलब भी वही है मतलब चैन के जो है वो भी कहीं ना कहीं चाइना से रिलेटेड है उनका जो मॉम थे शायद चाइनीज़ थे तो वो भी कहीं ना कहीं चाइना से रिलेटेड है
तो वो उसको भी बोल रहा है कि तुम चैन के हो या फिर कोरोना हो या फिर स्वाइन हो, मैं हमेशा क्वारंटाइन करता हूँ। तो मुझे रेफरेंसेस काफ़ी सही लगा, और भी बहुत हर एक लाइन में बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस होते हैं, इसलिए तो डिस्ट्रैक्ट है, इसलिए तो रैप हम सुनते हैं कि इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस लिया जाता है, बहुत तरीके का डबल मीनिंग होता है। मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि प्रॉपर एक हर एक लाइन के मतलब ब्रेक डाउन करूँ। मैंने ये ट्रैक को बहुत बार सुना है, मतलब रिएक्शन देखने के बाद, और जो फर्स्ट रिएक्शन था उसके बाद बहुत बार सुना है, 3 से 4 बार और सुना है, लिरिक्स को पढ़ा है, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ। और इतने दिनों से मैं रैप सुन रहा हूँ तो थोड़ा बहुत अभी लोगों को एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा कि हाँ किस तरीके का मीनिंग होता है रैप का, किस तरीके का जो बोलते हैं कि हर एक लाइन का जो रेफरेंसेस होता है, किस रेफर में बोला गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया तलहा अंजुम का एक वर्स में बोला गया है कि लाइन में बोला गया है कि काम भारी के बारे में रेफरेंस लिया गया है। ठीक है, एक तरीके का शाउट आउट है वो। तो मुझे तो ट्रैक ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, सुनोगे बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। और हम सभी जानते हैं कि मतलब इससे भी आगे जाके ये लोग ब्रूटली डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यंगस्टर्स को आपने सुना होगा इससे पहले भी किस तरीके से वो लोग ब्रूटली मतलब डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और इससे पहले भी कृष्णा को आपने सुना होगा किस तरीके से वो लोग डिस करते हैं। ठीक है, चैनके ने हाल ही में उनका एक ट्रैक में कृष्णा को डिस किया था, तो उन्होंने इस ट्रैक में उसको रिप्लाई दे दिया। ठीक है, तो मुझे तो ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त लगा। और यंगस्टर के बारे में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यंगस्टर में ऑब्वियसली रैप डेमन भी है, जो लिरिकली बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर लिरिसिस्ट है मेरे ख्याल से, बहुत ही ज़्यादा उनका लिरिक्स का एक अलग लेवल का लिरिक्स होता है। तलहा अंजुम, तलहा यूनुस का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए हो क्योंकि आप अगर इनका जो ट्रैक्स है, ऑडियो ट्रैक्स है, आप अगर हेडफोन लगा के भी सुनोगे ना, एक अलग सा एडिक्टिव हो जाएगा आपको। ठीक है, बहुत ही एडिक्टिव वॉइस है इनका, स्पेशली तलहा यूनुस का जो वॉइस है काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव और एट्रैक्टिव वॉइस है। आप जब हेडफोन लगा के सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहीं ना कहीं एडिक्टेड हो जा रहे हो इनके जो ट्रैक्स होता है इनका। कुछ दिन पहले एक मैंने गाना सुना था खिताब, जो ऑडियो ट्रैक था, ऑडियो वर्जन अवेलेबल था उसका, तो मैंने रिपीट पे बहुत बार सुना है, बहुत बार मैंने रिपीट पे, इतना ज़्यादा एडिक्टिव ट्रैक है वो। शायद उतना पॉपुलर नहीं है लेकिन मैंने बहुत बार रिपीट में सुना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यंगस्टर्स का जो मतलब रैपर लिस्ट है, चाहे वो तलहा यूनुस हो, अंजुम हो या फिर रैप डेमन, बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर लिरिसिस्ट है, उसके बाद रैपर है, और हिप हॉप में एक अलग ही जगह इन्होंने क्रिएट कर लिया अपने लिए। ठीक है, चाहे वो इंडिया से कृष्णा हो, पाकिस्तान से यंगस्टर हो, और सबसे बड़ी बात यंगस्टर को पाकिस्तान में भी जितने लोग सुनते, इंडिया से भी उतने ही लोग सुनते होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, क्योंकि मैंने बोला कि हिप हॉप का कोई रीजन नहीं होता है, हिप हॉप का कोई रिलीजन नहीं होता है, कोई बॉर्डर लाइन नहीं होता है, आप इस चीज़ को सेपरेट नहीं करके रख सकते हो। जो हिप हॉप सुनता है वो हर तरीके का हिप हॉप सुनेगा। तो मुझे तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखे। और भी आपको कुछ बताना है इस ट्रैक के बारे में, इस चीज़ के बारे में, आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, फीडबैक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।